हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा 2023 का प्राइस 19.66 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जा रहा है 26.05 लाख रुपीस तक। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास इसका बिल्कुल नया लिमिटेड एडिशन वेरिएंट जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक रूफ के साथ आपको मिलने वाला है एंड इसके अंदर नए अलॉय व्हील्स भी आ चुके हैं। ये बेसिकली जी वेरिएंट है इसका, जी एक्स वेरिएंट, जिसके अंदर कुछ एड ऑन्स किए गए। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि क्या कुछ इस कार के अंदर आया एंड कितना प्राइस हाइक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि 19.66 इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है जी वेरिएंट का। जी एक्स थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड यह है जी एक्स लिमिटेड एडिशन। इसका एक शोरूम प्राइस है 20.81 लाख रुपीज पर्ल वाइट प्लस ब्लैक रूफ वाले वेरिएंट का। इसी की जगह अगर आप सुपर वाइट लेंगे तो वो 10,000 रुपीस आपको सस्ता पड़ जाएगा। बाकी अब ओवरऑल क्या कुछ इस कार में ऑफर किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में। फ्रंट ग्रिल आपके यहाँ पर इस पर कुछ इस तरह की दी जाती है, मैट ब्लैक कलर के अंदर आपको ये पूरी देखने को मिलेगी। सेंटर में आपके यहाँ पर इस पर टोयोटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको पूरे सिल्वर कलर में इसमें इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे। हेडलैम्प यूनिट यहाँ पर इसमें हेलोजन बेस्ड ही रहने वाला है इस वेरिएंट के अंदर। वी एक्स वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको एलईडी मिल जाती है, फॉग लाइट्स नहीं है, इंडिकेटर यहाँ पर आपको साइड पर मिल जाते हैं। बाकी लो बीम हाई बीम दो अलग अलग यूनिट्स आपके यहाँ पर इसमें दिए जाते हैं। क्रिस्टा की आपके यहाँ पर इसमें बैजिंग मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं फ्रंट से इस कार का कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। साइड की बात करते हैं तो साइड में आती है आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो कि आपको पहले वाली इनोवा क्रिस्टा के अंदर देखने को मिलते थे, यानी कि प्री फेसलिफ्ट 2021-2022 मॉडल के अंदर वही सेम अब वापस आ चुके हैं। एंड जो अब दोबारा ही आई थी 2023 के अंदर तो उन्होंने पहले वाले दे दिए थे 2016-17 में जो आते थे, लेकिन ये वाले ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। 205/65R16 टायर प्रोफाइल है, फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलती हैं। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको कार का कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। बाकी और आपको यहाँ पर इस पर साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया इसके ओवर वीएम्स के ऊपर ही। ओवर वीएम्स आप यहाँ पे इस पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर पाएंगे इस वेरिएंट के अंदर। पूरी ब्लैक रूफ आपको मिलती है, पेंटेड नहीं है, ये बेसिकली टेपिंग है। थोड़ा आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो प्रॉपर टेप इसको किया गया है, मैट ब्लैक कलर में आपको ये मिलेगी। सेम ऐसा सा कलर आपको ये देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो कंपैरिजन के लिए। एंड पीछे यहाँ पे शार्क फिन एंटीना जो आपको मिलेगा वो आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में इसमें देखने को मिलेगा। एंड जो आपको लेजेंडर मिलती है फॉर्चुनर वही सेम कॉन्सेप्ट इस पर यहाँ पर यूज़ किया गया, यहाँ तक आपको पूरी इसमें टेपिंग मिल जाएगी। पीछे दिया वाइपर आ रहा है, वॉशर आ रहा है, लेकिन डिफॉगर इस कार में नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर इसमें टोयोटा का लोगो, हेलोजन बेस आपके यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट्स मिलती हैं, टेल लैंप्स भी आपके यहाँ पर इसमें हेलोजन में ही प्रोवाइड की जाती हैं। आप देख सकते हो कंप्लीट सेटअप इसका। एंड अब आपके यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट देखने को मिल पा रही होगी, वो है 2.4G की बैजिंग। अगर आप नॉर्मल जी वेरिएंट लेंगे लिमिटेड एडिशन के बिना सिंपल वाला जी, तो उसके अंदर आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलती है, इसके अंदर आपको बैजिंग मिल जाएगी। ये वाला पार्ट आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग है, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं एंड कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा अभी इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। एंड ओवरऑल लुक आप देख सकते हो कार का कुछ इस तरह का आपको यहाँ देखने को मिलेगा बैक साइड से। बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए इन्वॉल्व वन के मस्त का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम एक बहुत ही मस्त सी फ्रेग्रेंस ऑफर करता है जो कि ना आपको एक इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट के साथ दिला देगी आपकी कार के अंदर। बहुत ही यार सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है इसकी, जरूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं 100% श्योर हूँ एक बार ही लेने के बाद भी ना नेक्स्ट टाइम आप इसी परफ्यूम को बाय करने वाले हैं और ये बहुत ईजिली किसी भी बॉटल होल्डर के अंदर फिट हो जाता है और जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना पूरे 50-60 डेज तक लास्ट भी कर जाती है। और अब अगर बात की जाए उस साइड की तो यहाँ पर आप एक क्विक लुक देख सकते हो इस साइड से कार कुछ ये ऐसी आपको मिलने वाली है। एंड अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कार के अंदर एंड दिखाता हूँ कि किस तरह के इंटीरियर्स इस कार में ऑफर किए जाते हैं। अंदर भी ना यहाँ पर इस कार में चेंज थ्रू भी आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले डोर पैड आप यहाँ पर इसका देख सकते हो कुछ इस तरह के आपको मिल जाएगा। ऑल 4 पावर विंडो ए कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट फोल्ड आप मिरर्स को कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम डोर हैंडल है, नीचे स्पीकर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। कीज़ यहाँ पर इस कार के अंदर कुछ इस तरह की आ रही है, लॉक और अनलॉक के ऑप्शन से 3 कीज़ आएंगी बेसिकली इस कार में, 2 आपको बिल्कुल सिंपल मिलती हैं, 1 आपको रिमोट की इसमें मिल जाएगी। इंसर्ट करते हैं इसको यहाँ पर एंड तब तक लिए अब एक बार मैं आपको यहाँ पर प्राइस लिस्ट दिखाता हूँ जो कि आप वीडियो को पॉज कर चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये है इसकी कम्प्लीट प्राइस लिस्ट, अपने वेरियंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। सीट्स के अंदर हाइट एडजस्टमेंट आपके यहाँ देखने को मिल जाती है, बाकी ओवरऑल लेआउट कुछ ऐसा कम्प्लीट आपको मिलने वाला है। बाकी तो गाइस हम आ चुके हैं कार के अंदर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें
यहाँ से अब कर लेते हैं एक बारी कार का इग्निशन ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह का आपको यहाँ पर इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा वाइट इल्यूमिनेशन के साथ ही आपको पूरा पूरा देखने को मिलता है। स्टेयरिंग भी यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग बस स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, मीडिया एंड टेलीफोनी बेसिकली। क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पर इस वेरियंट के अंदर नहीं है। यहाँ पर डिस्प्ले का बटन है, एमआईडी स्क्रीन को आप यहाँ से पूरे इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलैम्प के लिए टॉगल लेदर है, वाइपर के लिए लेदर है, एक एसी वेंट मिल जाएगा। नीचे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का स्विच मिलता है, डीएफ का दिया गया, हेडलाइट लेदर मिलता है। यहाँ से हुड ओपन होगा, यहाँ से इसका फ्यूल टैंक ओपन हो जाता है। मैनुअल के अंदर ही आ रही है अभी ये फिलहाल, कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके यहाँ नहीं मिलता है। एंड जो पहले वाले अलॉय व्हील्स थे वो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ये वाले अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर इसमें डिजिटल क्लॉक, हजार्ड लाइट का स्विच, 8 इंचेस की स्क्रीन आपको मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो आपके कारप्ले सपोर्ट करती है, लेकिन वायर्ड ही ये रहने वाले। और आपके यहाँ बेसिक फीचर्स AM/FM ब्लूटूथ USB तो मिलते हैं। मैनुअल एसी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाते हैं। फिर आपको नीचे इको मोड, पावर मोड के दो स्विचेस मिलते हैं। इको मोड के अंदर आपकी कार माइलेज अच्छी देगी, पावर मोड के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, ट्रैक्शन ऑन ऑफ यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर भी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट भी है। ऐसा कुछ यहाँ पर आपको इसका गियर लीवर मिल जाएगा। रिवर्स गियर लगाने पर आपके यहाँ पर इसमें कोई भी कैमरा वगैरह का डिस्प्ले नहीं मिलता, क्योंकि कैमरा इस कार के अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ पार्किंग सेंसर की साउंड सुनने को मिलेगी आपको। पीछे एक बॉटल होल्डर मिलता है, हैंड ब्रेक मैनुअल टाइप की है, आर्मरेस्ट हार्ड प्लास्टिक में है। अंदर स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी आपको ज़रूर से मिल जाएगी, यहाँ पर आप USB इंसर्ट कर पाएंगे। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दी गई है। और सीट्स आप देखो, जो कंप्लेंट थी ना कि बहुत ही सिंपल कर दिए नोवा के अंदर सीट्स फैब्रिक के अंदर, जी वेरियंट के अंदर स्पेशली, तो वो यहाँ पर इसमें टोयोटा ने सुनी है। एंड सीट्स यहाँ पर फिर से पहले जैसी अच्छी खासी अब दे दी गई हैं यहाँ पर टोयोटा की तरफ से इस कार के अंदर। बाकी यहाँ पर एयरबैग्स की अगर बात करें तो फ्रंट 2 एयरबैग्स इसमें ऑफर किए जाते हैं, फ्रंट 2 यहाँ पर आपको दिए गए। टॉप एंड से अगर आप लोगे तो साइड्स पे भी आपको प्लस पे एयरबैग्स मिल जाएंगे। और आपके यहाँ ABS/ADB, ब्रेक असिस्ट, ISOFIX सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। सनसीट के अंदर कुछ भी नहीं है। टिकट होल्डर आपके यहाँ मिल जाएगा, मैनुअल डे एंड नाइट IRVM है, सनग्लास होल्डर, रूफ लाइट्स हेलोजन बेस्ड। इधर आपके यहाँ पर मिरर दिया जा रहा है। बाकी इसको करते हैं बंद, इसको ऑन। यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स है जो कि स्टोरेज स्पेस के साथ आएगा, कूल है ये। नीचे आपको यहाँ पे लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी इसमें मिल जाता है, एंड ये एक अच्छी चीज़ है। कैश वगैरह रखो तो अंदर आप छिपा के लॉक कर सकते हो उसको। बाकी तो लेआउट आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है इस कार का। और अब बेसिकली खोल लेते हैं यहाँ से इसका हुड एंड बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, फिर हम चलेंगे बैक सीट पैंट चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसका बूट। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको इस पर 2.4 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया जाता है इस कार के अंदर। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा रिलायबल रिफाइंड इंजन इसको माना जाता है। ओवरऑल यहाँ पर इंसुलेशन भी दी जाती है, लाखों लाख किलोमीटर चलता जाता है इंजन। 147 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है इंजन। बाकी आप देख ही सकते हो कम्प्लीट इसका सेटअप। फिलहाल के लिए इसको करते हैं बंद। एंड पर्ल कलर आप थोड़ा अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ ये पर्ल आपको मिल रहा है। थोड़ी कार अभी गंदी भी है, वॉशिंग होगी फिर आपको और अच्छे से दिखा पाऊंगा अगली किसी वीडियो के अंदर। बैक की अब बात कर लेते हैं, तो ये है इसका बैक डोर पैड, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। पावर विंडो का स्विच है, क्रोम डोर हैंडल आपको मिल रहा है, यहाँ पर बॉटल होल्डर वगैरह आपको मिल जाएगा। साथ में ऐसी कुछ यहाँ पर सीट्स आने वाली हैं, कैप्टन सीट्स वाला वेरियंट है ये। 21.81 लाख रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है। सीट्स आप देख लो टम्बल फोल्ड के ऑप्शन के साथ आती हैं, ऐसे सिंपली आप इसे फोल्ड कर सकते हैं थर्ड रो में जाने के लिए। थर्ड रो ऐसी कुछ ही आपको मिल जाएगी। एंड यार अब थोड़ी शाम से होगी तो मैं अच्छी क्लैरिटी नहीं आ रही है मेरे को पता है, बट चलो लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है तो लिमिटेड एडिशन वाली वीडियो भी आप पहले देख लो। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर वगैरह मिल रहा है। एंड जी वेरिएंट के साथ भी ना इस कार का कंपैरिजन मैं पोस्ट करूँगा जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पर ऊपर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे दोनों साइड्स पर। एंड यहाँ पर लाइट है हेलोजन में, आगे भी आपको वहाँ AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और वहाँ पर AC के लिए सेंटर में कंट्रोलर भी दिया गया है। रियर सीट 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है और 3 हेडरेस्ट पे आपके यहाँ मिल जाते हैं। इसको करते हैं नॉर्मल पोजीशन पर। अब ना चलते हैं एक बारी फिर से अंदर एंड दिखाता हूँ कि आपको कैसा कुछ कंफर्ट वगैरह इसमें मिलेगा। देखो यार स्पेस वगैरह के मामले में ना इनोवा हमेशा से ही टॉप पर रही है, कभी भी कमी स्पेस के मामले में नहीं फील हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम मिल पा रहा है। मैप पॉकेट्स भी हैं यहाँ पर इस कार के अंदर, नीचे 12 वॉट का पावर सॉकेट भी है। एंड हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर का सेट भी आपको मिल जाएगा। एंड कंफर्ट बहुत ज़्यादा अल्टीमेट आपको इनोवा के अंदर मिल जाता है। बाकी थर्ड रो में नहीं जा रहे हम क्योंकि थर्ड रो बेसिकली बच्चों के लिए ही रहती है। यहाँ से अब मैं खोल लेता हूँ इसका बूट एंड दिखाता हूँ कि बूट स्पेस कितना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन इसके टेलगेट को ओपन करने के लिए। बूट स्पेस आप देख सकते हो अच्छा खासा इस कार में ओवरऑल ऑफर किया जा रहा है। ये आप देख लो स्पेस, रियर सीट पूरी फोल्ड हो जाती है। 50-50 स्प्लिट फंक्शन है यहाँ पर, यहाँ पर एक लाइट है, मैन्युअली आप ऑन ऑफ कर पाएंगे इसे।
बाकी ये रस का थर्ड हेडरेस्ट, ये फोल्ड भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल है, इसको पुल करो, इसको यहाँ पे इस हुक के साथ हैंग कर दो एंड फिर आप स्पेस देख सकते हो कुछ इतनी आपको मिल जाएगी एंड दूसरी सीट भी आप सेम ही तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर पाएंगे। और स्पेयर व्हील की अगर बात करते हैं तो आपके यहाँ पर ये कार के नीचे की तरफ ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ से अब बंद कर देते हैं इसको एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस, ऑल न्यू 2023 इनोवा क्रिस्टा GX लिमिटेड एडिशन का एक शोरूम प्राइस है 20.81 लाख रुपीज़, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। ऑन रोड अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर ये देख लो 20.81 एक शोरूम प्राइस है। रोड टैक्स इसके ऊपर इतना लग जाएगा यहाँ पर चंडीगढ़ में, 500 यहाँ पे काउसेस है एंड TCS लगेगा, फिर आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, फास्टैग के पैसे हैं यहाँ पर, अगर आप ऐसे सीरीज या वो कुछ ऐसा कुछ लेना चाहते हो एक्सटेंडेड वारंटी तो आपकी मर्जी है। इन सब का ऐड करने के बाद 24.48 इसका टोटल ऑन रोड प्राइस बन जाएगा। बाकी काफ़ी चीज़ें आप हटवा भी सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, इंश्योरेंस भी सस्ता ले सकते हो। 23.5 से ऊपर ही आपको कार पड़ने वाली है। कैसी लगी आपको नई इनोवा क्रिस्टा, स्पेशली ये नया वेरिएंट, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही मैं कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा इन्वॉल्व के का परफ्यूम का, जिसे कि जाकर आप ज़रूर से बाय कर लें। बाकी तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो ज़रूर से वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। थैंक यू।